तो सीख पा रहे हैं आप लोगों से सीखा है। बहुत कम गाना बजाना सबका होता है लेकिन दिल तक कोई कोई ही पहुंच पाता है। और मेरी समझ से ही नहीं, दादा हमेशा कहा करते थे कलाकार कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अगर किसी के दिल के अंदर नहीं पहुंच पाया तो फिर वो छोटा ही कलाकार है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों से बहुत कुछ मैंने आज यहाँ सीखा। जब आप लोग श्रद्धांजलि गीत गा रहे थे तो मुझे अपने वो सारे दिन जो मैंने दादा के साथ बिताए हैं ऐसा लगा कोई फिल्म चल रही है, कोई ऐसा वो समय सब कुछ जैसा हम लोग हाथ पकड़ कर दादा को अपने घर तक लेकर आते थे, उन गलियों से जाते थे, कैसे बैठते थे, दादा क्या पढ़ाते थे, कहाँ क्या बोलना होता था। एक दादा और एक मेरे पिताजी ने कभी मेरी प्रशंसा नहीं की मेरे मुंह पर, दुनिया ने प्रशंसा की, टूर्नामेंट जैसे कार्यक्रम तक मैंने जीते लेकिन दादा ने कभी बड़ाई नहीं की। उसका कारण दादा कहते थे अपने बच्चों की बड़ाई उनके मुंह पर करिए तो फिर वो फूलने लगते हैं, वो ज्यादा अपने आप को काबिल समझने लगते हैं, यही मेरे पिताजी कहा करते थे। टूर्नामेंट में जीत कर भी आई, कार्यक्रम भी हो गया, सब हो गया लेकिन जब दादा और पापा हम सब लोग बैठे तो वो दोनों लोग मेरी 75 कमियां बताते रहे, तुमने ये क्यों बोला, तुमने ये क्यों कहा, तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था। तो मुझे ये आभास हुआ कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है, उसके आगे आप कभी बड़े नहीं हो सकते। तो दादा ने वो, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जितना समय मेरा दादा के साथ बीता है उतना किसी शिष्य या शिष्या का नहीं बीता। जितना समय मैंने दादा के घर में या दादा ने मेरे लिए दिया है किसी को नहीं मिला। ये मेरा दुर्भाग्य रहा। बाजा सीखने का मैंने प्रयास भी किया और अपने भर का थोड़ा बहुत बजा जा भी लेते हैं, ऐसा नहीं, दादा ने हाथ रखना तो बताया ही है। उनकी इच्छा थी कि मैं बाजा बजा कर गाऊं लेकिन पढ़ाई, घर की झंझटें, तमाम दुनिया भर की बातों के चक्कर में मैं बाजा नहीं सीख पाई। थोड़ा बहुत लिख भी देते हैं तो नहीं, जरा बहुत ऐसा ही हो जाता है मन। लेकिन गीत पांडे जी ने, मैंने दादा से कहा कोई गीत मेरे लिए भी चार पंक्तियों का लिख दीजिए क्या गाऊं। जब तक मैं वो धुन लिखवाती भैया ने वो धुन गा दी और ये दादा की पसंदीदा धुन है तो मैं उसी को पूरा किए दे रही हूँ। किशन का ना जब ये जीवन होगा, किसी गली ऊंचे में स्वर लहरी जब कभी गुनगुनाएगी तो बेशाख्ता उस समय तुम्हें इस हरि किशन की याद आएगी। और आज वो दिन है, ये सत्य है, कलाकार सब गा रहे हैं, बहुत से बन रहे हैं, हम लोग भी जितना हम लोगों की औकात है उससे ज्यादा मिल रहा है हम लोगों को। कभी कभी मुझे इस बात का अफसोस होता है कि ये यूट्यूब, ये चैनल, ये सब तब क्यों नहीं चले जब ये लोग चल रहे थे। अगर तब चले होते तो शायद हम लोगों को कोई पूछ भी नहीं रहा होता। जो वो लोग दे गए वो हम लोग कभी नहीं दे पाएंगे। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि अब ये सब चलने लगे हैं प्रकरण, तो हम लोग इसके माध्यम से देश विदेशों तक सुने जा रहे हैं। जो भी बन जाए गीत कह रहा है, मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरे
दादा, दुनिया भर से हम भाग आकर पार करते थे कि वो दिल कहाँ से लाए। सबकी श्रद्धांजलि के गीत आपने गाए दादा, हमारे दादा गुरुतुल्य। दादा कमल कुमार त्रिपाठी जी, जब दादा नहीं रहे तो मैं दादा के साथ ही उनके उस कार्यक्रम में पहुंची थी। वहां भी आप यही कह रहे थे कि वो दिल कहां से लाएं तेरी याद जो भुला जाता। दादा श्याम तूफानी जी भी नहीं रहे तब भी आपने यही गाया। जवाहर जिद्दी जी भी नहीं रहे तब भी आपने यही गाया। राजेश्वर पंडा जी नहीं रहे तब भी आपने यही गाया। लेकिन जब आप नहीं रहे तो अब मैं कह रही हूँ दादा के वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो भुला दे। कलाकार तो बहुत हैं, लेकिन दादा मैं आपसे कह रही हूँ वो दिल कहाँ से लाएं तेरी याद जो भुला दे। क्योंकि कीर्तन कला की बगिया, कीर्तन कला की बगिया संगीत से सजा दे। तो वो दिल कहाँ से लाए तेरी याद जो सबको सामूहिक रूप से धन्यवाद दे रही हूँ। आप सबको आभार व्यक्त कर रही हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए जितने भी लोग हैं इतना समय निकाला। मैं तो प्रसन्न हो ही रही हूँ इस कार्यक्रम में आप लोग आए, लेकिन मुझसे ज्यादा कहीं ज्यादा दादा प्रसन्न हो रहे होंगे। और ये भी सत्य है जिसको जिसको दादा ने चाहा है वही वहां यहाँ पर आ पाया है, चाहे भले ही देर। कीर्तन कला की बगिया, कीर्तन कला की बगिया संगीत से सजा दिल कहाँ से दादा बस आपसे इतना कह रही हूँ। गीतों में पाला पोषा, कीर्तन क्या होता है। आपने और पिताजी ने दोनों ने मिलकर बहुत समय मेरा अच्छा बनाने में अपना समय दिया। तो गीतों में पाला पोसा, बाहों में है झुलाया। सबसे तो नहीं ये पुरस्कार जरूर बोलूंगी, पहला पुरस्कार तो हमारी गुरु माता के हाथों से मुझे मिला है। मैं आपका आशीर्वाद अपने सर पर चाह रही हूँ और हमेशा मुझे बाकी सब लोगों से ज्यादा प्यार मिला है आपका। बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ। और ये जो केएस म्यूजिक चैनल आप देख रहे हैं जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम देश विदेश तक में प्रसारित होगा, जितने भी कलाकार हैं सबकी प्रस्तुतियां सबका आगमन सब आप देख पाएंगे।
इस चैनल की असली हकदार जो बिटिया कशिश है उसके माध्यम से वो सुन रही हैं इस गीत को वहाँ घर से ही। 101 मुद्राएं कशिश ने भेंट किए हैं, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है बिटिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है संजय भैया। गीतों में पाला पोसा और मेरा बचपना आपकी बाहों में गुजरा है। हमारी गुरु माता सब कुछ जानती हैं और हम दोनों के सामने वो सब आ रहा है। और हमारे घर पर क्रांति माला को क्रांति माला बनाने के लिए के हमारे घर पर हर पाठ जो के घंटो हमारे घर पर हर बात जो पढ़ाया तो है कोई है कोई है कोई है कोई फिर से ऐसी के है कोई जो फिर से ऐसी कीर्तन को ये कला दे तो वो दिल कहाँ से लाए एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ और कह रही हूँ दादा भाव की सुर सरी में पूनम जी को आपका कार्यक्रम रात्र में शंभू हलचल जी से ही लगा था लेकिन इस बात की बहुत बड़ी प्रसन्नता है और इससे अपना को भी झलकता है कि कौन अपना है ऐसे समय में नजर आता है। अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद सीधे आप दोनों यहीं चले आए तो मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। हमारे चाचा बैठे हैं, मैं चाचा को प्रणाम कर रही हूँ। 101 मुद्राएं लखनऊ से पधारे हमारे भैया सुधाकर त्रिपाठी जी, आपके कर कमलों से हैं, धन्यवाद है। और भैया हमारे भैरव प्रसाद भैया जी आलमपुर स्टेट बैसवारा लालगंज, आपने 101 मुद्राएं बुआ भैया को भी और मुझे भी भेंट की हैं, धन्यवाद है। और 251 मुद्राएं हमारे अतुल भैया जी और हमारे लखा भैया की तरफ से हैं, दोनों को धन्यवाद है। तो भैया को धन्यवाद है। एक बार आपको थोड़ा सा किस्सा जरूर बताऊंगी। कालू खेड़ा में जवाबी मेरी चल रही थी दादा से ही, गुरु जी से ही जवाबी चल रही थी और इतनी भीषण जवाबी हो गई वो कार्यक्रम। वो 2-3 दिन का था, दूसरे दिन दादा श्याम तूफानी जी और गीता सिंह जी की जवाबी होनी थी लेकिन मेरे और दादा के बीच में इतनी तनातनी हो गई कि वो दोनों पार्टियां फिर कैंसिल करनी पड़ी। दूसरे दिन की भी जवाबी हम दोनों को ही करनी पड़ी। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने जवाबियों में भी गुरु शिष्य का नाता तो रहा लेकिन जवाबी में कोई कोर कसर नहीं रही। ये दादा ही सिखा कर गए कि जवाबी में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन दादा से एक बार मैंने पूछा धन्यवाद चलिए पंक्ति पढ़ रही हूँ, बातें बहुत सारी हैं क्या क्या शेयर करूं। कह रही हूँ दादा के भाव की सुर सरी में पहले रहे हमेशा है सत्य सत्य निश्चित है सत्य सत्य निश्चित है
सत्य सत्य बोलने वालों में थे। अगर कोई बात आपके आप कितने भी उनके खास परम मित्र क्यों ना हो, लेकिन अगर दादा को अच्छी बात नहीं लग रही, उनको मालूम है ये गलत है, तो फिर वो आपका साथ कभी नहीं देंगे। और ये किस्से मेरे जीवन में तमाम उनके साथ मैंने देखे, जो उनके इतने निकट 24 घंटे साथ में रहने वाले, लेकिन उन्हीं को दादा सत्य के पीछे उन्हीं से लड़ जाते थे। तो ये क्वालिटी केवल दादा में थी। मन पर सच्चाई को स्वीकार करना दादा को ही आता था और किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। कभी कभी झूठी बहस करनी पड़ जाती है जवाबी में, लेकिन ये केवल दादा में क्वालिटी थी। तो भावों की सुरसरी में बहते रहे हमेशा, और है सत्य सत्य निश्चित कहते रहे हमेशा। लेकिन दादा से कह रही हूँ दादा, कि है कोई क्रांति की फिर से ये ज्योति जला दे। है तो बहुत लोग रास्ता दिखाने के लिए बड़े हैं, लेकिन दादा जो जगह आपकी है वो कभी ना कोई ले सकता है ना ले पाएगा। तो है कोई क्रांति की फिर से वो ज्योति जला दे, तो वो दिल कहां से लाऊं याद को गीत की बिल्कुल अंतिम पंक्ति पढ़ रही हूँ, क्योंकि और भी एक दो कलाकार हमारे चचा ही। अंतिम पंक्ति में एक बात कहना चाह रही हूँ, आज के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों ने सबने सर्व सहमति से और गुरु माता की आज्ञा से अपने परिवार का एक ऐसा कांधा ढूंढ पाया जो आगामी परिवार को आगे बढ़ाए। हमारे चचा आदरणीय श्री लालचंद दीक्षित जी, इनके कंधों पर भार तो रखा है, लेकिन एक मेरी पंक्ति चचा भी मेरे सुनेंगे और मैं कह रही हूँ सुनिएगा। कीर्तन की हर विधा के एक आध क्वालिटी और दादा में ऐसी, लेकिन कीर्तन बहुत बढ़िया गाते बजाते सब करते थे, लेकिन दया भाव मैंने दादा के अंदर जितना देखा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। दादा का एक घर ऐसा, जब हम लोग उतने छोटे से कमरे में जाकर बनाते खाते, तो एक बार टीवी के पीछे से काफी खरखर की आवाज आ रही। मैंने कहा दादा ये क्या है, कहले कि यहाँ हमारे चूहे पले हैं, उनको भी नित्य प्रतिदिन आज भी गुरु माता भोजन रखती हैं, और इतना ही नहीं चिड़ियों कबूतर के लिए खाना पानी पहले रखा जाता है। तो ये सब शिक्षा उनसे मिली है कि सबके लिए, दादा कहा करते थे जिसके भाग्य का जो है वो अपना ले जाएगा, तो वही सब सीख सीख कर हम लोगों के अंदर भी वो सब सब जागा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कीर्तन की हर विधा के आप थे विधाता, और याचक बने थे फिर दे यद्यपि महान लिखते हैं। लेकिन मैं दादा आपसे ही पूछ रही हूँ, आप तो चले गए, लेकिन के दादा सियाराम चचा, दादा तुम ही बता दो के दादा किसे बना दे। कहने को सब कहते हैं
हम दादा हम दादा हम दादा, लेकिन क्रांति माला के लिए जो दादा थे वो दादा ही कोई नहीं। ये जरूर है कि जो जो जगह किसी की छूटती है तो कोई ना कोई उसकी भरपाई करने के लिए बिठाया जाता है, लेकिन जो बाप होता है वो बाप ही होता है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। तो दादा, अरे दादा।